मार्केटिंग के जो मेरे गुरु थे वो एमवे के लीडर थे, जो इस दुनिया में अब नहीं है, मैं उन्हीं को आज भी गुरु मानता हूँ क्योंकि गुरु एक ही होता है। उनका नाम था चुन्नी लाल चोपड़ा, उनको मैं गुरु मानता हूँ। उसने मेरे कुंडली पकड़ के नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा सुनाई। तीन तीन दिन के वर्कशॉप करते थे उस जमाने में जब हमारे पास 10 रुपए नहीं हुआ करते थे, 15,000 रुपए की तीन तीन दिन की वर्कशॉप होती थी मसूरी के अंदर 5-स्टार होटल में। तो सबसे पहले हमें अपनी मेंटेलिटी को बदलना होगा, तो वहां से मैं शुरू करता हूँ। तो चुन्नी लाल जी मेरे गुरु थे, आपका धंधा क्यों नहीं चल रहा ये बता रहा। तो उन्होंने उस जमाने के अंदर मारुति 800 परचेज कर ली मेरी सिटी से सेकंड हैंड। लेकिन कमाल की बात ये थी कि उनको चलानी नहीं आती थी, वो मारुति चलानी नहीं आती थी, थोड़ी थोड़ी चला लेते थे, मेरे को चलाना आता था। अब उनका सिटी मेरे सिटी से 40 किलोमीटर दूर था, तो मैंने कहा गुरु जी इसको छोड़ के कौन आएगा, कैसे? बोला एक काम कर साबुद्दीन, इसको सीधा मेरे वाले रोड पे लगा के फेस मेरे रोड की तरफ कर दे और फिर मैं ले जाऊंगा इसको धीरे धीरे करके। अब यहां से थोड़ी दूर, आधा किलोमीटर भी नहीं चला, मैं वो साथ में बैठे हुए थे, मैंने गियर लगाया, दूसरे गियर में गाड़ी वहां पे पहुंच गई। अब जैसे उसका रोड आ गया, जैसे ये रोड जा रहा है सीधा, मैंने कहा सर देख लो कहीं दिक्कत ना आ जाए। बोला नहीं नहीं मैं ले जाऊंगा। अब वो ड्राइवर सीट पे आए और उन्होंने गाड़ी को चलाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि साबुद्दीन तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। अब एक घंटे का रास्ता था, एक घंटे के बाद उसका फोन आया और ये साबुद्दीन मैं तो बच गया, तो मर गया होता। मैंने कहा क्या हुआ सर? बोले सर गाड़ी में आग लगी, पूरी गाड़ी के अंदर आग लगी, इंजन में से आग निकलने लगी, बच गया मैं तो, छोड़ के भाग गया गाड़ी। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों हुआ? तो बाद में पता क्या चला, वो बंदा 40 किलोमीटर तक गाड़ी को दूसरे ही गियर में ले गया, कौन से गियर में ले गया, और एक्सीलेटर पे पूरा पैर दबा के रखा। ओहो पैर पूरा दबा रखा है और गियर बदल नहीं रहे, तो क्या हुआ पूरी गाड़ी में आग लगनी तो जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी बात। अब ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, हकीकत बात बता रहा हूँ। जिन लोगों को 2 साल 4 साल 5 साल हो गए और धंधा नहीं बढ़ रहा है, आप भी क्या कर रहे हो, एक्सीलेटर तो पूरा दबा रहे हो लेकिन गियर नहीं बदल रहे। जब तक आप गियर नहीं बदलोगे तो क्या आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी? आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी क्या? नो नहीं बढ़ेगी। हमें सीखना पड़ेगा, हमें हमें देखना पड़ेगा, हमें समंदर में जाके डलना पड़ेगा उस मेंढक की तरह के। दुनिया इससे बड़ी है। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल एक गांव से साइकिल पे फोटोग्राफी सीखने में गुजारे, जो है अपनी जिंदगी में गिल्ली डंडा खेला अपने गांव के अंदर। हमारे गांव पे भैंसे भी हुआ करती थी हमारे घर पे, अपनी वो मेरी कुएं की जिंदगी वाली मेंढक वाली जिंदगी थी। जब से इस बिजनेस ने, उस खुदा ने मेरे को कामयाब किया, न जाने कितनी कंट्रियों के अंदर मैं घूम चुका हूँ, न हिंदुस्तान का कोई ऐसी स्टेट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है। आप इसको मेंबर बनाने का धंधा समझ रहे हो क्या? दिखाऊंगा अभी एक वीडियो में। अभी मेरा पीछे कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोग्राम था और कश्मीर के अंदर वहां पे नियम कानून इतने सख्त है हर चीज को लेके, तो एक ऑडिटोरियम वहां पे बुक करना था यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो वहां पे जब उसको बुक करने की बात आई, उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपया भी दोगे तब भी बुक नहीं होगा। तो मेरा ड्रीम था कि प्रोग्राम यहां पे करना है, तो अचानक से मेरे पास एक प्रोफेसर है, जो है कश्मीर के अंदर एक प्रोफेसर है कॉलेज के अंदर, उसका मेरे पास फोन आता है कि सर हो जाएगा। मैंने क्या हुआ, मैंने तो पूरी सारे लोगों ने ताकत लगा ली, हो ही नहीं रहा है। तो बाद में पता चला कि मेरी टीम के अंदर एक ऐसा बंदा है जो रॉयल्टी एचीवर के मुकाम पे, सॉरी अभी टेक्निकल हुआ है, और वो बंदा पता कितने करोड़ की कंपनी का मालिक है, 250 करोड़ रुपए की कंपनी है उसकी, 250 करोड़ रुपए की कंपनी। अब आप कहोगे कैसे, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक जो रेलवे का ट्रैक बिछाया जा रहा है वो सारा टेंडर उसके पास है। उस बंदे ने डायरेक्ट फोन किया हमारे सामने गवर्नर को, किसको फोन किया, गवर्नर, डायरेक्ट गवर्नर को फोन करके कहा कि सर हमें यहाँ पे एक फंक्शन करना है हेल्थ को रिकॉर्डिंग लेके। दोस्तों 1 रुपया भी उन्होंने हमारे से गवर्नमेंट ने ले लिया और प्रोग्राम फ्री में हो गया। एक एक 250 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक, जिसकी वीडियो मैं भी आपको दिखा सकता हूँ, उसको क्या जरूरत पड़ी आपसे बिजनेस करने की? यस, उसको क्या जरूरत पड़ी है, क्योंकि उसने स्टडी कर लिया, क्योंकि आने वाला जमाना, आने वाला जो होने वाला है सारा कुछ पूरी दुनिया के अंदर, वो डायरेक्ट सेलिंग के वजह से उल्टा पुल्टा होने वाला है। यस,
यस, आप इसको मेंबर बनाने का धंधा समझ रहे हो, मैं मेरी फैमिली के साथ डल लेक के अंदर घूम रहा हूँ। प्रोग्राम खत्म हुआ, हम डल लेक के अंदर घूम रहे हैं। आपने डल का नाम सुना होगा, पूरी दुनिया के अंदर फेमस है कश्मीर की डल लेक। हाउस बोट जो पानी के अंदर घर बने हुए हैं, हम कश्तियों में घूम रहे हैं। हमारे साथ तीन लड़के और भी साथ में, एक वो प्रोफेसर, एक ये सारे के सारे लोग साथ में घूम रहे हैं। एक यंग लड़का जिसकी उम्र मेरे से भी कम है, व्हाइट शर्ट नीली पैंट, हमारी पूरी फैमिली, मेरा दोस्त है मिस्टर सतवंत सिंह सरदार जी हैं पंजाब से। और वो जो लड़का, जो कम उम्र का लड़का था, वो बूटे ला के दे रहा है, भुने हुए बूटे। सर ये खाइए प्लीज, मिसिस को, मेरे को, बच्चों को खिला रहा है। जब हम चलने लगे, हमने कहा कि सर जावेद भाई आपने बताया नहीं, इसका इंट्रोडक्शन नहीं कराया आपने। अब जो कम पढ़े लिखे लोग, ये अपने आप को दिखावे वाले लोग होते हैं, जल्दी जल्दी मैं ये हूं, मैं वो। दोस्तों उस आदमी ने बता, तीन चार मिनट तक बातों को घुमाता रहा, बताने की कोशिश नहीं करी। बाद में उसने बताया, अभी करंट में श्रीनगर की जो सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके वहां पे जज के लेवल पे ये काम करते हैं। कितनी उम्र थी, और रॉयल्टी के लेवल पे है दोस्तों, सीनियर जज की पोस्ट पे। आप सोचिए दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग, अब एक जज है, हाई, आपने सुनील कारसर का नाम सुना होगा, अगर कहीं जूम जाम पे मिला होगा, हाई कोर्ट के अंदर वकील है, मेरे साथ मेरी टीम के अंदर काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील है। एक वकील को ज्यादा पता है नेटवर्क मार्केटिंग के कानून के बारे में, आपको ज्यादा पता है। कौन सी दुनिया में घूम रहे हो मेरे भाई, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? मेरे दोस्त बोलते हैं कि टीवी आया तो पहले अमीर लोगों को मिला, कार आई तो पहले अमीर लोगों को मिली, जो भी दुनिया में अच्छी चीजें आई तो पहले अमीर लोगों को मिली। दोस्तों पहली बार ये इतना बढ़िया सिस्टम गरीब लोगों को मिला है, अपने हाथ से मत जाने दो, नहीं तो ये भी अमीर लोगों के हाथ में चला जाएगा। yes! ये भी अमीर लोगों के हाथ में चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। पता क्यों? आने वाला समय ऐसा आने वाला है कि बड़े बड़े करोड़पति इसमें कूद रहे हैं, दिखाऊंगा वीडियो में। जिम कॉर्बेट के अंदर नैनीताल के पास एक जगह है, मैं हर छह महीने में एक टारगेट देके अपनी टीम को घुमाने फिराने के लिए जाता हूँ, 5 स्टार से नीचे नहीं लेके जाता है। 1200 लोग मेरे साथ में थे, 1200 लोग। अब इतना बड़ा ग्रुप था, मैं थका हुआ था, शाम को बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, मैं खाना खाने लगा था। एक यंग बलट लड़का, बिल्कुल हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर पूरा, मेरे पास आके बोलता है सर एक फोटो खिंचवा लूं क्या? मैंने कहा यार खाना तो खाने दो, बोला सर एक फोटो खिंचवा लूं प्लीज। तो मैं खाना भी खा रहा हूँ और उससे बात भी कर रहा हूँ। मैंने कहा अब ये तो मेरे को पता था कि 150-200 लोग कश्मीर से आए हुए हैं। मैंने कहा सर क्या करते हो? वो बेचारा इधर उधर की बातें लगाने लगा, फिर फोटो खींच ली। थोड़ी देर के बाद उसने बड़ी मुश्किल से, जब मैंने पूछा, दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं चीज़ें फेंक रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो मैं लाइन पे लेके बात करवा सकता हूँ आपकी। थोड़ी देर के बाद उस लड़के ने बताया कि मैं करंट में अभी श्रीनगर में डीएसपी के लेवल पे हूँ, अभी डीएसपी की पोस्ट पे है दोस्तों। अब सोचिए ऐसे ऐसे लोग, ये साफुद्दीन खान जिसके माँ बाप मजदूरी करते थे, आप इसको मेंबर बनाने का धंधा समझ रहे हो? अंबाला से पूरी की पूरी पुलिस फोर्स की एक बटालियन ज्वाइनिंग हुई, एसपी का एक लीडर है, उनकी एक मीटिंग थी हमारी सिटी के आसपास अभी कुछ दिनों की पहले की बात है। मेरे को फोन किया, खान साहब घर पे हो? मैंने कहा घर पे ही हूँ। बोला यार सर मिलना है एक बार, चाय पीनी है? मैंने कहा आइए सर, पुलिस की गाड़ी लाल बत्ती लगी हुई है, सारे के सारे लोग पुलिस ड्रेस में, कोई इंस्पेक्टर है, कोई SHO है। आए, अब मेरे मोहल्ले वाले सारे खुश, ये साले को आज उठा के लेके जाएंगे। क्योंकि हमारे तकरीबन जो अंदरूनी भावनाएं, आज के टाइम लोग दूसरे को सुख को देख के ज्यादा दुखी है। और मेरे घर पे 24 घंटे मेला, 10 आ रहे हैं। उन्होंने सोचा साला बड़ी बड़ी बातें का उठा के लेके जाएंगे पूरी ड्रेस में। मैंने, क्योंकि मेरा ऑडिटोरियम बना हुआ है नीचे, चाय वाय का इंतजाम, और वो कह रहे हैं सर एक बार आपके स्विमिंग पूल के पास आपके साथ फोटो खिंचानी है। मेरे साथ फोटो खिंचा रहे हैं सारे पुलिस वाले। और एक घंटे के बाद जब उनको छोड़ने के लिए रोड पे जाता हूँ, और वो गाड़ी में बैठते समय जब मेरे पैरों की तरफ ऐसे करते हैं गुरु जी इजाजत दो, मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक ऐसा लड़का जिसके, जिसने कभी जिंदगी में सोचा नहीं, अरे सोचिए दोस्तों ये किसकी ताकत है, ये इज्जत देने वाला तो खुदा होता है लेकिन माध्यम बनाए आपने बिजनेस को, एक ऐसा आम आदमी। yes! आप इसको मेंबर बनाने का धंधा समझ रहे हो? बस क्या क्या बताऊं मैं आपको इसके बारे में, क्या क्या बताऊं इस चीज के बारे में, क्या करूं और क्या आप लोग इसको क्या समझ रहे हैं,
दस लोगों ने मना कर दिया छोड़ दिया, दस लोगों ने मना कर दिया छोड़ दिया। अरे इंसान 20 रुपए का घड़ा खरीदता है तो उसको चेक करता है कि इसमें दरार तो नहीं है। आपको खुदा करोड़ों रुपए देना चाहता है तो आपको चेक नहीं करेगा, ठोकेगा, ठुकाई करेगा। वो ईश्वर, वो भगवान आपकी ठुकाई करेगा पहले कि इंसान 1 लाख लेने के लायक है भी या नहीं है, तब जाके आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। हमारी पहले ठुकाई हुई है। बड़ी बड़ी बातें कर देते हो, अरे तो कोर लीडर है, ये तो फलाना है, ढिमका है, सर ठुकाई हुई है पहले। क्या हुआ है? ठुकाया है पूरा। रातों को अपने घरों में नहीं घुसे हम लोग, उस जमाने के अंदर जब आरसीएम के अंदर पिकअप सेंटर के नाम पे सेंटर नहीं हुआ करते थे, उस जमाने के अंदर जब प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे, उस जमाने के अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट हुआ करता था वो भी कपड़ा, उस जमाने के अंदर जब एक आदमी को ज्वाइनिंग कराते तो बोल देता था भैया कलर पसंद नहीं आया, वो कलर पसंद करने के लिए भिलवाड़ा जाना पड़ता था चेंज करने के लिए। उस समय आरसीएम ज्यादा आसान था कि आज ज्यादा आसान है? आज ज्यादा आसान है। तो आप लोगों का धंधा क्यों नहीं चल रहा है, वहां पे लेके आ रहा हूं आपको। सोच को बदलो, कुछ हटके काम करो।